हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे काले चना का छोला, ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, हम एक कटोरी चना लिए थे जिसको 2 घंटा पहले हम भिगो दिए थे और उसका पानी हम निचोड़ लिए हैं। तो फ्रेंड इसका छोला बनाना बहुत आसान है। आप सब्जियां खा खा कर परेशान हो गए हैं, तो आप काले चने को भिगो दीजिए और इसका छोला बनाइए, बहुत टेस्टी बनने वाला है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम कुकर को चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। कुकर गर्म हो चुका है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसमें सरसों का तेल डाल दिए, हमको ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो फ्रेंड देखिए, तेल हम डाल दिए, अब हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे। तो फ्रेंड ये हींग है, वैसे साग सब्जी खाना सब चीज़ में हींग का यूज करना चाहिए, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमारा छोटा चम्मच जीरा हो गया और ये हमारा हरा मिर्च। तो फ्रेंड हम बताए थे कि बिना लहसुन प्याज का हम बनाएंगे, तो आज भी हम बिना लहसुन प्याज का ही बनाएंगे छोला, क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, हम एक साइज़ का 2 आलू लिए थे, इसका छिलका हटा के हमने काट दिया है। इसको हम इसमें डाल के भूनेंगे, क्योंकि फ्रेंड ग्रेवी बनाने के लिए आलू का यूज बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम हल्का हल्का भून लेंगे। हमने 1 आलू में 4 टुकड़ा किया है, तो 2 आलू एक साइज का हम लिए हैं। तो फ्रेंड ये हमारा भून चुका है, अब हम चना को इसमें चना को डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये एक साइज का छोटा टमाटर, तो इसको हम बारीक काट लिए हैं, तो इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसी में ये भून जाएगा तो और अच्छा लगेगा। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लें। तो फ्रेंड हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसको हम ढक देंगे एक प्लेट से। अब आइए हम इसमें क्या क्या डालेंगे आपको बता दें। तो फ्रेंड देखिए, हमको ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, बस इतना ही, थोड़ा सा 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची और ये सारा मतलब मसाला है, थोड़ा सा ही हम लिए हैं। इसको पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, अब इसमें हम क्या क्या सामग्री डालेंगे। तो फ्रेंड हम डालेंगे इसमें सामग्री में क्या क्या डालेंगे, तो डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 और जो पेस्ट बनाए थे वो हम डालेंगे। और फ्रेंड हम इसमें कस्तूरी लाल मिर्च डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हम कस्तूरी लाल मिर्च डालेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको मिक्स कर दिए हैं, अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, इसमें खाने वाला। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालेंगे।
तो फ्रेंड देखिए पानी हम इसमें डाल दिए हैं। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो कुकर को अब हम बंद करेंगे, 2 से 3 सीटी लगाएंगे और हमारा छोला बन के रेडी हो जाएगा। तब हम आपको टेस्ट कराएंगे और इसके साथ हम गर्मा गर्म रोटी और जीरा राइस बनाएंगे और आपको टेस्ट कराएंगे। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो फ्रेंड हम कुकर को बंद कर दिए हैं, 2 सीटी लगाएंगे, हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये छोला बन के रेडी हो गया है, अब हम आपको टेस्ट कराएंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा छोला बन के रेडी हो चुका है। तो ये गर्मा गर्म जीरा राइस और ये गर्मा गर्म रोटी, अचार और ये छोला। तो आप भी इस ऐसे ही बनाइए और टेस्ट करिए और टेस्ट करके बताइए कि हमारा रेसिपी आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी में, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।